बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में, और मैं सूरत राज। और आज की वीडियो देखने वाले हैं, देखो MJPR रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का 1 जुलाई को आपका जुलॉजी का पेपर होने वाला है। तो BSc सेकंड ईयर वालों की बात करने वाला हूँ। जुलॉजी का जो फर्स्ट पेपर होगा वो 1 जुलाई को होगा। तो 1 जुलाई को जो पेपर होने वाला है, जितने भी जुलाई के पेपर होने वाले हैं BSc BA BCOM वालों के, सबके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड कराऊंगा। आज है 29 तारीख, मैं आपको 2 दिन पहले प्रोवाइड कराने की जो वादा करता हूँ वो मैं आपको पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले, मतलब 3 से 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी, और कुछ 4 वीक पहले भी की थी। लेकिन आपको कह रहा है 3 से 4 महीने जो पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी, जिसमें लगभग 17 से 18 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे। यदि आप उन क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाते हैं तो आप 85% प्लस लेके आएंगे, मतलब कि 85% से नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आपको 2022 का टॉपर बनना है। यदि 2022 का टॉपर बनना है तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देख लेना, मेरी बात को समझना है आपको, ठीक है। तो आपका 1 जुलाई को पेपर होने वाला है, और जो भी आपका पेपर होगा वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 70, आपको पता होगा 7037327838 इस पर आप PDF बनाकर या फिर उसका फोटो खींचकर पेज नंबर 1 से टोटल पेज भेजना है, यानी कि आपको पहला पेज जिसमें लिखा होता है BSc सेकंड ईयर जुलॉजी फर्स्ट में, उसको भी भेजना होगा। सारे पेपर आप एक साथ में सारे पेज भर, मतलब पेज खींच के और सेंड कर देना मेरे व्हाट्सअप नंबर इस पर, ठीक है। तो इस पर क्या होगा कि मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि देखो जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वही क्वेश्चन पेपर में आए हैं, समझ रहे हैं। तो ये प्रूफ करना हक मेरा बनता है। और मैं आपको इस वीडियो में केवल 10 से 11 क्वेश्चन देने वाला हूं। जो 10 से 11 जो क्वेश्चन होंगे, आप इन क्वेश्चनों को रटना होगा। इसमें से 70% बड़े आराम से फंसेगा, इस बात को भी याद रखना है। इन क्वेश्चनों को रट के जाना है, और बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसको एक बार पढ़ के चले जाना है, क्योंकि गलती से वो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पेपर में टाइपिंग हो गया है। तो समझ लीजिए कि आप उस क्वेश्चन को बना बना के कराएंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन उसके बावजूद भी आ जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, एक एक क्वेश्चन को बना बना के ही करेंगे, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। कुछ भी हो जाए, पहले वो क्वेश्चन करना है जो पेपर में आपको फंसा है, मतलब कि जो आपको बहुत ज़्यादा याद है। उसके बाद वो क्वेश्चन करना है जो आपको थोड़ा थोड़ा कट कट के याद है। उसके बाद में वो क्वेश्चन करना है जो बिल्कुल भी याद नहीं है, फिर भी आप उसको बना बना के कर देंगे, ठीक है। याद रखना है, और 3 घंटे का तो टाइम आपको मिल रहा है, तो 3 घंटे में ही सब कुछ करना है। टाइमिंग ये नहीं करना कि छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा था पेपर में लिख नहीं पाए, ऐसा मत करना गलती, ठीक है। देखो 2 से 2.5 घंटे में पेपर हो जाता है पूरा सोल्यूशन, आप सही से करोगे तो। ध्यान से देख लो, पहला क्वेश्चन आप याद करेंगे जो एम्फियोक्सिस होता है। एम्फियोक्सिस एक एनिमल्स है, एम्फियोक्सिस की बात करने वाले हैं। एम्फियोक्स को देखो ब्रैकियोस्टोमा भी बोले जाते हैं, ब्रैकियोस्टोमा के नाम से भी जानता था एम्फियोक्सिस को। तो एम्फियोक्सिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके आपको रुधिर पाचन तंत्र के बारे में देख रहे, देखो एक तो पाचन तंत्र आता है, एक आता है रुधिर संवहन तंत्र। रुधिर संवहन तंत्र और पाचन तंत्र, इन दोनों को पढ़ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है विल ऑर्गन, इसको पढ़ना है, ठीक है। और एक होता है ऑरल हुड, ये इसके अंग होते हैं, ये जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, ये अलग अलग शॉर्ट में भी पूछ लेता है, इससे ही क्वेश्चन बनता है, बाकी कुछ और नहीं बनेगा इसमें। और जो एक एनिमल होता है एम्फियोक्सिस, ये हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आता है, हेमिकार्डेटा के फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। तो आप हेमिकार्डेटा के समान लक्षण उसके आधार पर देख सकते हैं। जो हेमिकार्डेटा है इसके लक्षण कैसे आप लिखोगे, जो आपको इसमें एम्फियोक्सिस की जो भी खासियत देखने को मिले वो आप यहाँ नोट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एम्फियोक्सिस की जो भी खासियत देखने को मिले, जैसे कि वो मतलब कि बिल बना के रहता है, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि एम्फियोक्सिस के जो जंतु होते हैं वो बिल बना के रहते हैं, क्या दिक्कत है। तो आप ऊपर जो पढ़ेंगे उसके स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे वो यहाँ डाल देंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा माइंड को यूज करना है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलो उसके बाद में आता है हार्डमानिया। हार्डमानिया की बाहर संरचना, मतलब बाहर से देखने का कैसा दिख रहा है, उसके आहार नाल को देख लेना और रुधिर परिवहन तंत्र को देख लेना, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा हार्डमानिया के बारे में। और हार्डमानिया यूरोकार्डेटा के अंतर्गत रखा गया है, और यूरोकार्डेटा के समान लक्षण आपको कैसे देखोगे, जो आपको हार्डमानिया में को जो भी खासियत आपको देखने को मिले उन खासियत पॉइंट मेन पॉइंटों को यहाँ नोट कर देना, काम हो जाएगा, मतलब बनाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, चलो एक ये क्वेश्चन याद करके जाना है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक ये प्रतिगामी कालांतर क्या होता है, आप इस क्वेश्चन को याद करके जाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखिए प्रतिगामी कालांतर को याद करके जाएंगे, ये बहुत ज्यादा बनता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा। एक यही हार्डमानिया का टैडपोल लार्वा के बारे में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, टैडपोल लार्वा के बारे में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप इस टैडपोल लार्वा के बारे में पढ़ लेना। और अंडे में देखो एक होता है अंडे की संरचना, याद रखना एक क्वेश्चन आता है कि अंडे की रचना या फिर संरचना के बारे में पूछता है, ठीक है, और इस अंडे देने वाले स्तनधारी कौन कौन से हैं, ये शॉर्ट में बनेगा, ज्यादा लॉन्ग में नहीं बनेगा, ठीक है।
उसके बाद में आता है जो सरीसृप होते हैं उनके क्या लक्षण देखने को। एक देखो, एक तो आपसे ये क्वेश्चन 100% पेपर बनेगा, आपसे पूछेगा ये वाला, यानी ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि विषैले और विषहीन सर्पों में अंतर बताइए, ठीक है, या फिर विषैले सांप दंत के सूत्र के बारे में। दंत सूत्र पूछ सकता है, जो विषैले सांप होते हैं उसके विष उपकरण, जैसे दंत जो दंत कह सकते हैं दंत यंत्र होता है, मतलब दांतों की संरचना कैसे वो खुलता है, वो संरचना आपसे पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है इस क्वेश्चन को। निकोटिनी क्या होता है, निकोटिनी के प्रकार के बारे में आपसे पूछ लेता है इस क्वेश्चन को। एक शॉर्ट में बनता है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइए। बाकी हम आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वेबसाइट है paperhacker.in, वहां जाकर BA BSc BCOM सबके नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। paperhacker.in वेबसाइट पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक भी दे रखा है, ठीक है जाकर टच करिए। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, नेपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट आप डाउनलोड कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट, बेहतर प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने बनाए हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद में आपको देखो यहाँ कुछ नहीं देखना है, छोड़ दीजिए इसको, उड़न पेशी के बारे में हटा दीजिए। अब देखो यहाँ आता है स्तनधारी के दंत संरचना, मतलब कि स्तनधारी के दांतों के बारे में और दंत विन्यास के बारे में, ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको कैसे डेवलपमेंट के बारे में भी पूछता है कि कैसे विकास होता है, ठीक है ये चीज़ दांत दंत विन्यास के बारे में ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो ये क्वेश्चन एक टच कर दीजिए। उसके बाद में हम लोग नीचे जाएंगे और हेमिकार्डेटा के बारे में हम पहले बता चुके हैं, ठीक है इसको छोड़ दीजिए। एक ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनता है, इस क्वेश्चन को नोट करिए। ये क्वेश्चन है देखो, प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया के समान लक्षण आपसे पूछता है, या फिर प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया में अंतर आपसे पूछ लेता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है बाकी यहाँ कुछ और नहीं देखना है तो छोड़ दीजिएगा, इस मछली को भी छोड़ दीजिएगा। एक ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे, पादप विहीन उभयचर क्या होते हैं, पादप विहीन उभयचर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइए, पादप विहीन उभयचर क्या होता है, ठीक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे हम एक्थियोफिस के बोलते हैं, ठीक है एक्थियोफिस के बारे में वर्णन पूछ लेता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो भाई, प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया में अंतर ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, छोड़ दीजिए हम। और लास्ट में एक क्वेश्चन और देखना है, वो है बेलोग्लॉसिस। देखो बेलोग्लॉसिस की आंतरिक संरचना, तंत्रिका और स्वदी संरचना, बस ये मतलब बेलोग्लॉसिस की संरचना देखनी है कैसा हुआ, बस यही करना है। ये है आपके 2022 में आने वाले क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताए, दो दिन है, बड़े आराम से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दो दिन है ना, तो इस पर अचूक करिए, इस पर ध्यान दीजिए, बाकी कुछ और मत दीजिए। बेलोग्लॉसिस को देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये हो गया, और पादप विहीन उभयचर को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया को देख लीजिए, स्तनधारी के दंत सूत्र जैसे अपने जो दांत हैं उनका विन्यास के बारे में देख लीजिए, और निकोटी क्या होता है ये आप देख लीजिए, और साथ ही साथ विषैले और विषहीन दंतों में अंतर देख लीजिए, और जो विषैले सांप होते हैं उनके दांत कैसे, दंत उपकरण कैसे होते हैं वो आप याद करेंगे, अंडे की संरचना कैसी होती है ये पढ़ लेना, और आप जानते हैं टैडपोल आ रहा है, हेमिकार्डेटा, और आपका ऊपर बताया था एम्फियोक्सिस, ये दो एनिमल हैं जिसके रुधिर परिवहन तंत्र में से एक रुधिर परिवहन तंत्र 100% बनेगा। बाकी आप जो हेमिकार्डेटा हो गया और यूरोकार्डेटा हो गया, इनके बारे में आप तो जब एनिमल के बारे में आपको पता है तो इनके लक्षण को बड़े आसानी से बना बना के कर सकते हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हैं। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपसे गारंटी देता हूं, यहां से मैंने आपको 70% बोला है ना, पूरा के पूरा पेपर यहीं से फंसेगा, कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन वंचित रह जाता है, यहां से नहीं आता है, तो आप प्लीज़ उसको बना बना के कर देना, छोड़ के मत आना, कॉपी भर के आना है आपको, समझ लो, समझ रहे हैं मेरी बात को। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, वादा मैं करता हूँ, कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पेपर होते ही मुझे व्हाट्सअप पर इस पेपर को सेंड करेंगे सभी लोग। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।